वेलकम टू आर के एम फेव गाइस। तो पैच नोट आ गया है, तो पैच नोट देखते हैं। 8 मिनट पहले आया पैच नोट और 740 लोगों ने देखा इस पैच नोट को। तो एडिशनल रिपोर्ट्स ऑफ द एजेंट ऑफ द एटलस टीम विल टेक प्लेस। कैप्टन अमेरिका, सैम रॉजर्स, लूना स्नो, क्रिस्टियन एंड व्हाइट फॉक्स। व्हाइट फॉक्स को यूनिफॉर्म नहीं दे रहे हैं लोग। अरे यार शिट। न्यू यूनिफॉर्म एंड टीयर 3 एडवांसमेंट बाय डाउनलोडिंग 922 पैच डाटा। ये कल ही आएगा अपडेट। टीन न्यू यूनिफॉर्म हो गए, लग गए एल। व्हाइट फॉक्स को यूनिफॉर्म नहीं मिला, मतलब कि पेड यूनिफॉर्म से काम चलाना पड़ेगा। हो गया काम। तो सबसे पहले है शरणों का डेटस यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म प्राइस इसका 1050 और इसका फीमेल है, वुमेन टाइप की। लीडरशिप एनर्जी प्रोजेक्शन इसका। और इसका यूनिफॉर्म इफेक्ट में डाला गया चेन ही डैमेज 25% का वैन अटैकिंग और डिक्रीज बेसिक डैमेज रिसीव बाय 10% का। और इसके लीडरशिप में ऑल अलाइज के लिए वही पुराना है, कुछ पुराना ही जगह 50% का मैक्सिमम एचपी है। स्केल 1 में कुछ नहीं है, स्केल 2 में स्टन है। अरे ये दोनों स्केल तो चेंज कर देते कम से कम। स्केल नंबर 3 एक्युमुलेशन है, ट्रूड एक्युमुलेशन जो कि चार्ज करता है। तो इसमें सिर्फ इसमें ऑल अटैक डाला गया 15% का, बाकी सब सेम है, ठीक है। स्केल नंबर 4 में ब्लीड डैमेज स्टन डाला गया है, डिक्रीज ऑल डिफेंस डाला गया 3% का, ये चेंज हुआ है। स्किल नंबर 5 में बाइंड है, 10% का रिकवरी, सेम स्किल। ये वाला स्किल सेम है, बस इसका एनर्जी डैमेज इंक्रीज करा गया यहाँ पे, ठीक है। लूना स्नो का नया यूनिफॉर्म लाइट सरसी आर्मर वाला, 1050 यूनिफॉर्म प्राइस है और इसका कोल्ड डैमेज है 25% का यूनिफॉर्म इफेक्ट में। पैसिव में इसके ऑल अटैक ऑल डिफेंस है, ऑल स्पीड है 10-10 और 5% का। स्किल नंबर 2 में 4% का फ्रीज डैमेज है। स्किल नंबर 3 में ब्लीड है, फ्रीज है। स्किल नंबर 4 में फ्रीज है और इंटायस है, ये यूनिक है। चिल डैमेज है और 5% डिक्रीज कोल्ड डैमेज है। कोल्ड रेसिस्टेंस स्टक अप टू 30%, 15% का रिकवरी है। गार्ड अगेंस्ट हिट है 6 हिट है। तो कोई सा भी इसका स्किल कैंसिल नहीं करना है। स्किल नंबर 5 में फ्रीज है, 15% का रिकवरी है, वही सेम ही दिख रहा है मेरे को सारे स्किल तो भाई। लूना का और इसका थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे बस। मुझे यहाँ पे एडिशनल डैमेज जो दिख रहा है कोल्ड डैमेज, यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ठीक है। क्रिस्टियन का लेटेस्ट यूनिफॉर्म एकदम सूट, एकदम जैसे आर्मर वाले से स्पेस सूट में जाते हैं वैसा पहन रखा इसने, तो अच्छी लग रही काफ़ी। इसका यूनिफॉर्म प्राइस भी 1050 है। इसका वुमेन है, फीमेल जस्टिस है। यूनिफॉर्म इफेक्ट में कुछ ज़्यादा इसमें बोनस डाल दिए गए। गारंटी क्रिटिकल रेट 15% और इंक्रीज की स्किल डैमेज 20%, इंक्रीज बोनस डैमेज 20%। 60% का फिजिकल अटैक सेम है, थोड़ा इसको एनहांस करना चाहिए था, 65 या 70 कर देना चाहिए था। और यहाँ पे पैसिव में इसके वही इल्यूजन डाला गया है, सुमोन का क्रिटिकल डैमेज, जो इसका पांडा है वो आएगा। स्किल टीयर 2 में डाला गया 35% का फिजिकल अटैक, सुपर आर्मर इंक्रीज ऑल डिफेंस 50% का। स्किल नंबर 1 स्टन है, 100% चांस इम्यूनिटी ऑल डैमेज। स्किल नंबर 2 में काउंटर अटैक डाला गया। क्या बात, ये सही लग रहा है कुछ स्किल। स्किल नंबर 2 में काउंटर अटैक है, सही है। और शरोन जैसा इसके पास बोनस डाला है, स्टर्न है, साइलेंस है, ठीक है, अच्छा। स्किल नंबर 3 में स्टर्न फ्रैक्चर है। स्किल नंबर 4 में इसका डाला गया है 80K इंक्रीज करने वाले बोनसेस है और यहाँ पे डिक्रीज ऑल डिफेंस डाला गया 50% का, 15% का रिकवरी है।
रिफ्लेक्ट डाला गया स्किल नंबर 4 में। ओके, तो मतलब शायद पीवीपी में हो सकती है, काम आ सकती है थोड़ी बहुत। रिफ्लेक्ट डाला गया है और 100% का फिजिकल डैमेज रिसीव डाला गया है। स्किल नंबर 5 स्टैंड पैरालाइज इग्नोरिटी और इनविजिबल और एटीके बोनस। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया गया इसका यूनिफॉर्म। तो जिन जिन लोगों ने इसका लेटेस्ट यूनिफॉर्म ले रखा था उसका तो कट गया पट्टा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोनसेस ऐड करे गए हैं। ठीक है, अच्छा है। वाइट फॉक्स T3 एंड अल्टीमेट स्किल। ओके, और अब सुन के ये बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो बहुत क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। काइमोन क्या लगा, कोमियो मून। ठीक है, पर एक सपोर्ट कैरेक्टर मिल गई, वो काफ़ी बेस्ट है। डील 50% बर्न डैमेज है, साइलेंस है, रिमूव एक्टिव बफ है, इनविजिबल है और एटी के बेसिक इसका 70% इंक्रीज है, और ये इसका T3 एनिमेशन। ओके, ठीक है ठीक है, बढ़िया ठीक है। द हिट काउंट क्रिश्चियन T3 अल्टीमेट स्किल मून लाइट शॉक वेव हैज इंक्रीज्ड। ओके, अच्छा अच्छा, तो क्रिश्चियन का T3 का जो हिट है वो इंक्रीज कर दिया गया शॉक वेव उसका, और ये थोड़े कुछ गेम एरर फिक्स हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं और क्या है। तो सेरन रॉजर्स रिफिल चेस्ट, ये तो हमने पहले ही चिपका डाला था इन्होंने, हमने देख लिया था। यहाँ पे ये देख लेते हैं ये क्या है। एजेंट ऑफ द एटलस थीम अपडेट सेलिब्रेशन स्पेशल इवेंट। ओके, कॉमिक कार एंड CTP रिफोर्जिंग इवेंट टू योर एडवांटेज स्पेशल इवेंट। इवेंट का मज़ा आएगा देखने में, इवेंट में कुछ था यहाँ पे, मस्त लग रही एकदम, मुझे सेरन रॉजर्स काफ़ी अच्छी लगी। 40% डिस्काउंट आ रखा है सारे यूनिफॉर्म सेल पे, तो आप लोग दे सकते हो। करेक्टर ग्रोथ बोनस, इस पर क्या है, वाइट फॉक्स पे एकदम घटिया, मेरे सारे करेक्टर ग्रोथ है मगर ये क्रिश्चियन नहीं है थोड़ी। एनर्जी बोनस में, एनर्जी में ये सब डाला गया है। ठीक है, वही पुराना सुराना के हिसाब बिटा रिवॉर्ड। ब्लैक एंटीमेटर 1 है, ठीक है वही पुराना। 50% अनइक्विप कॉमिक कार्ड है, जिसको अनइक्विप करना है कर सकता है, 50% का डिस्काउंट है। CTP रिफोर्जिंग यहाँ पे सक्सेस टाइम 2 है, तो ठीक है। मैं यहाँ पे लूना स्नो भाई हो भाई, उस किसी को नहीं मिला लूना स्नो का। यहाँ पे आप वो वाला इवेंट नहीं था, लगे इन्होंने अंदर है क्या, वो वाला इवेंट बोला था इन्होंने डालेंगे प्रीमियम कॉमिक आर्ट वाला, वो क्राफ्ट इवेंट वाला, क्राफ्ट इवेंट वाला नहीं है, नहीं है नहीं है, वो आएगा शायद, अभी नहीं आएगा, आएगा आएगा, या फिर शायद आ भी गया होगा, नहीं कल आएगा। हाँ ठीक है, तो या आज के लिए बस नहीं है। तो बस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, ठीक है रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका, बाय। और कल आएगा गेम में 11:30-12 बजे अपडेट आ जाएगा, ठीक है, बाय। I played it in a sense, a feel of discontent.